मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लच्छेदार रबड़ी। हलवाई से भी ज्यादा अच्छी रबड़ी हम बनाएंगे जो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं लगती है, जो घर में हमारे है उसी से ये रबड़ी बन जाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने लिया है 1 लीटर दूध। अगर आपको भैंस का दूध मिल जाए तो वही लें, वो फैटी होता है तो उसमें अधिक मलाई पड़ती है, अधिक खोया बन जाता है गाढ़ा करने पर। तो अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप पैकेट वाला भी ले सकते हैं। तो मैंने फुल क्रीम दूध 1 लीटर लिया है और इसे हमने उबालना शुरू कर दिया है। मैंने इसे कढ़ाई में डाल दिया है और आंच को हमने मीडियम रखा है। तो दूध को हम उबलने देते हैं। आइए देखते हैं मैंने इसके अंदर डालने के लिए क्या लिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। तो ये हमने लिया है 3 बड़ा चम्मच चीनी, मीठा आप अपनी पसंद से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 4 से 5 इलायची को मैंने पीस लिया है और हमने लिया है 7 से 8 काजू और बादाम, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालें। इससे रबड़ी हमारी गाढ़ी बनेगी और थोड़ी सी क्रंची बनेगी, लच्छेदार बनेगी, खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो चलिए हम दूध को पहले गाढ़ा कर लेते हैं और इसे बराबर चलाते जाएंगे और किनारे से जो मलाई पड़ती है इसे हम खुरच कर दूध में डालते जाएंगे। तो इससे ये लच्छेदार हमारी रबड़ी बनकर तैयार होगी। इसकी जो मलाई होगी खोया की तरह गाढ़ी हो जाएगी और इसका लच्छा बन जाएगा। तो इस तरीके से इसे हम गाढ़ा करेंगे और बराबर हम दूध को चलाते रहेंगे और इधर जो हमारा ड्राई फ्रूट है इसे हम पीस कर तैयार कर लेंगे। मोटा मोटा इसे पीसेंगे, बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसना है, इसे हम पीस लेते हैं। तो दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, मैंने 1 लीटर दूध लिया था और 1/2 लीटर हो चुका है। मैंने इसे बराबर चलाते हुए पकाया है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी अलग हो गया है, हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे और इसे भी गलने देंगे और इसके साथ ही इसमें डालेंगे ये ड्राई फ्रूट जो मैंने काजू और बादाम को पीस लिया है, मैंने इसे मोटा मोटा पीस लिया है। इसमें मैंने आंच को धीमा कर दिया है, इसे इसके अंदर हम डालेंगे और इसे बराबर चलाते हुए पकाएंगे। तो इसे बराबर चलाते हुए हम और गाढ़ा करेंगे। तो ये 1/2 लीटर दूध बचा हुआ है तो इसका आधा हम और पका लेंगे और करीब 250 ग्राम दूध बच जाएगा, तब तक हमें इसे गाढ़ा करना है। तो इस तरीके से हमारी लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार होती है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें लच्छे पड़ रहे हैं और ये अच्छी तरीके से गाढ़ा हो रहा है, देखने में भी इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। और इसे हम घर में आसानी से बना सकते हैं, बहुत अच्छी रबड़ी बनकर तैयार होती है, हमें मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है। इस समय तो हम ला भी नहीं सकते, हमें नहीं मिल रहा है मार्केट में, हर मिठाई नहीं मिल पा रही, कोई चीज नहीं मिल पा रही है। तो जो भी हमारे घर में है उससे हम बहुत अच्छी तरीके से रबड़ी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफी गाढ़ा हो चुका है। तो इसी तरीके से चलाते हुए इसे हमें 5 मिनट तक और पका लेना है। तो रबड़ी हमारी काफी गाढ़ी हो चुकी है, आप देख सकते हैं 1 लीटर दूध मैंने लिया था और अब ये 250 ग्राम दूध इसमें बचा हुआ है, बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे इलायची का पाउडर, मैंने 4 से 5 इलायची को अच्छे तरीके से कूट लिया है, इसे डाल देंगे इसके अंदर, इसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बहुत ज्यादा हमें इसे नहीं जलाना है क्योंकि ठंडा होने के बाद रबड़ी हमारी और गाढ़ी होगी। तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। तो रबड़ी हमारी ठंडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई है, कितनी लच्छेदार रबड़ी बनी है हमारी। तो चलिए इसे हम बाउल में निकालते हैं। तो बहुत ही टेस्टी रबड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है, इसे हम पिस्ता और बादाम से गार्निश कर देते हैं और इसे रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसे हम फ्रिज में रख देंगे। तो रबड़ी हमारी और ठंडी हो जाएगी तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इस तरीके से रबड़ी को बनाकर 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं और इसे खा सकते हैं, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इस तरीके से रबड़ी बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी रबड़ी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।